हेलो गाइस, आज आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। बेस्ट पीएनजी कैसे ऐड करें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपनी फ़ोटो है उसको आप एडजस्ट कर लेना, चित्र क्रॉप करके, ताकि वो थोड़ा अच्छी लगे, ठीक लगे। मतलब टूल्स पे जाके क्रॉप करके उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, दोबारा एडजस्ट पे जाएंगे। तो एडजस्ट पे जाने के बाद अपन ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे। कॉन्ट्रास्ट को कम करने के बाद अपन क्लैरिटी पे जाएंगे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और हाइलाइट्स को पूरा कम कर देंगे, ताकि अपनी पूरी पिक्चर की जो कलर टोन है वो पूरी मिल जाए। टेम्परेचर को अपन थोड़ा सा ब्लू की तरफ रखेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। तो फिर आपको जाना है ऐड फोटो पे, ऐड फोटो पे जाने के बाद जो अपना पीएनजी उसको ऐड कर लेना है। तो मैंने ऐड कर लिया ये, तो इसको आप ऐसे ऐड करना जैसे एकदम अच्छी तरह ऐड हो जाए, सेट हो जाए। मतलब तो जैसे देख सकते हो आप, मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ, तो ये ठीक नहीं लगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ ठीक है, मैंने देखो सेट कर लिया है यहाँ पे। तो अपन अब एडजस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाने के बाद अपन इसका जो ब्राइटनेस है इसकी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को कम रखेंगे, ताकि मैच हो जाए जो अपना बैकग्राउंड है उससे मैच हो जाए। क्लैरिटी को थोड़ी सी बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी अपन थोड़ा बढ़ाएंगे, और हाइलाइट्स को भी थोड़ा कम करेंगे इसमें। शेडो को भी अपन कम करेंगे थोड़ा, और जो टेम्परेचर है उसको छोड़ देते हैं। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या करना है, जो ऊपर इरेजर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है अपन को, और ओपेसिटी कम करिए, और ऐसे थोड़ा सा, मतलब ऐसे लगे जैसे पानी पैरों में, पैर पानी में है पूरे, जैसे देख सकते हैं आप, बिल्कुल एकदम पानी जैसा लग रहा है। जैसे थोड़ा सा और कर देते हैं, जो इसकी ऊपर वाली फिंगर है, अब इसको अपन थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि सही से पकड़ा हुआ है। फिर अपन क्या करेंगे, देख जैसा कि देख सकते हैं अपन पहले की और अब आपकी फ़ोटो में बहुत फ़र्क आ गया है। अब अपन चलेंगे इफेक्ट्स में, अब उसमें जाने के बाद अपन जाएंगे इफेक्ट्स में जाने के बाद अपन ये थर्ड नंबर पे दिख रहा है फिल्म, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपन पेड़ को ज़्यादा रखेंगे, पेड़ को बढ़ाना है अपन को, पेड़ को बढ़ाना है। यहाँ से डन कर देना ऊपर से, जैसा कि देख सकते हैं आप पहले की और अब की फ़ोटो में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो आपको जाना है स्टिकर पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको डॉल्फिन, तो आपको कोई अपने हिसाब से एक अच्छी सी डॉल्फिन ले लेनी। जैसा कि ये सही रहेगी अपने,
इसको मैंने ऐड कर लिया इसमें, आप भी ऐसे ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब अपन इसका भी एडजस्ट करेंगे थोड़ा, ब्राइटनेस वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा सेट करेंगे इसको। इसमें भी ब्राइटनेस अपन बढ़ाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को कम रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी कम रखेंगे, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे जिससे थोड़ा ये रियल लगे, और हाइलाइट्स को भी अपन कम करेंगे और रखेंगे, और शेडो को अपन थोड़ा बढ़ाएंगे, कम रखेंगे शेडो। टैम्प टैम्प को भी अपन ब्लू की तरफ रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना। फिर यहाँ से डन कर देना, जैसे कि देख लो अब आप ऑलमोस्ट डन हो चुकी अपनी फ़ोटो।